हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिबानी और आज के शो में हम दो ऐसे गैजेट्स को रिव्यू करने वाले हैं जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। मतलब कि अगर एक ऐश्वर्या राय हो तो दूसरे को कतरीना कैफ तो आराम से बुला ही सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A7 और लेनोवो योगा 900। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A7 की। सैमसंग गैलेक्सी A7 पिछले साल भी लॉन्च हुआ था, लेकिन ये उसका 2016 का वर्जन है। रिव्यू में जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स क्या है। सैमसंग की तरफ से इस साल उसकी मिड रेंज सीरीज का सारा दारोमदार होगा गैलेक्सी A सीरीज पर। गैलेक्सी A सीरीज की खासियत ये है कि इसके फीचर्स तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसे होते हैं, पर कीमत उससे लगभग आधी होती है। पेश है सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज का गैलेक्सी A7। ये 5.5 इंच का स्मार्टफोन दिखने में काफी अच्छा लगता है। इसकी फुल HD स्क्रीन गजब की है। ये दिखने में और फील करने में दोनों में काफी प्रीमियम है। तगड़ी प्रोसेसिंग के लिए गैलेक्सी A7 में 1.5 GHz का Exynos 7580 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है 3GB रैम के साथ। ये चलता है Android 5.1.1 लॉलीपॉप वर्जन पर, जिस पर जल्द ही मार्शमेलो अपग्रेड की भी उम्मीद है। फोटोग्राफी के लिए गैलेक्सी A7 में F1.9 के अपर्चर वाला 13 MP कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। इसके साथ ही इसका कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है, जिससे मामूली कैमरा जर्क्स का असर फोटो पर नहीं पड़ता। इसके कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। सेल्फी के लिए गैलेक्सी A7 में 5 MP कैमरा दिया गया है 24mm वाइड एंगल लेंस वाला। गैलेक्सी A7 में 16GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 128GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए गैलेक्सी A7 में 4G LTE, Wi-Fi, फिंगरप्रिंट सेंसर, ब्लूटूथ 4.1 जैसे सारे लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी A7 के दाम है ₹33,400। सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A7 2016 के कुछ अच्छे फीचर्स की बात करते हैं। तो लुक वाइज, फील वाइज, स्टाइल वाइज बहुत ही खूबसूरत है। ग्लास और मेटल बॉडी जो उसको दी गई है, बिल्कुल S6 और S7 की तरह खूबसूरत लगता है। 5.5 इंच की HD स्क्रीन भी दी गई है, तो स्क्रीन भी अच्छी है। दूसरी अच्छी बात, इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब एक दिन बगैर चार्ज किए आपका फ़ोन आराम से चल सकता है। साथ ही फास्ट चार्जिंग दी गई है बैटरी के लिए, तो अगर आप एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं आपका डेटा या फिर फ़ोटो लेने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आपका फ़ोन, तो आराम से दिन भर तो चल ही जाएगा। अगर बैटरी ख़त्म भी हो गई तो झट से चार्ज भी हो जाएगी। ये थी अच्छी क्वालिटीज़, लेकिन इस फ़ोन में खामियां बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इसका कैमरा ही ले लीजिए, 13 MP का कैमरा है, 5 MP का सेल्फी कैमरा है। पेपर पर अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी एक्चुअल में अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। फॉर एग्जाम्पल इसका कैमरा लो लाइट में बिल्कुल बकवास है। लेकिन इसके सबसे बड़ी खामी है प्राइसिंग। 32,000 में मेरे हिसाब से ये फ़ोन बहुत एक्सपेंसिव है। अगर इसमें आप ₹1,000 भी ज़्यादा डालें तो पिछले साल का सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन S6 आपको मिल सकता है। अगर थोड़े पैसे और डालें तो नोट 4 भी आपको मिल सकता है। लेकिन आप अगर इतना भी खर्च ना करना चाहे तो थोड़े कम पैसे में आपको OnePlus 2 जैसे फ़ोन इससे ज़्यादा फीचर्स के साथ मिल सकते हैं। इसी नोट पर टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे रिव्यू होगा लिनोवो योगा 900 का। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लैपटॉप या टैबलेट, नारे नारे 50-50। लेनोवो की योगा सीरीज के बारे में ये आप आसानी से कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेनोवो योगा 900 के टेक्निकल फीचर्स क्या है। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा कंप्यूटर जो लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर दोनों का काम कर दे, तो आपके लिए पेश है लेनोवो योगा 900। 13.3 इंच का क्वाड HD डिस्प्ले वाला ये कन्वर्टेबल गजब का स्टाइलिश लगता है।
पिछले साल लॉन्च हुए लेनोवो योगा 3 प्रो की ही तरह इसमें भी वॉच बैंड हिंजेस दिए गए हैं, जो इसे ना सिर्फ स्लिम ट्रिम बनाए रखने में मदद करते हैं बल्कि इसे प्रीमियम लुक भी देते हैं। लेनोवो योगा 900 चलता है विंडोज 10 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये काफी दमदार लगता है। इसका डिस्प्ले बैकलिट LED टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिससे स्क्रीन पर ब्लैक लेवल जबरदस्त आते हैं और वीडियोस देखने का मजा दोगुना हो जाता है। भारी भरकम प्रोसेसिंग को अंजाम देने के लिए इसमें 6th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है। 8GB रैम दी गई है और अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के लिए डॉल्बी DS 1.0 होम थिएटर टेक्नोलॉजी पर चलने वाले JBL के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। स्टोरेज के लिए लेनोवो योगा 900 में 512GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0 जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। महज 1.5 किलो के इस कन्वर्टेबल के दाम हैं 1,22,000 रूपए। जैसा मैंने पहले ही कहा था, आज टेक गुरु पर हम दो खूबसूरत गैजेट्स को रिव्यू करने वाले हैं। तो लेनोवो योगा 900 डिजाइन और लुक्स में एकदम कड़क 10 out of 10 मैकबुक से टक्कर हो सकती है इसकी। इतना खूबसूरत है, जो वॉच बैंड हिंजेस दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, साथ में बैकलिट कीबोर्ड, मेटल बॉडी, तो दिखने में एकदम फर्स्ट क्लास सुंदर गैजेट है ये। लेनोवो योगा 3 प्रो में जो खामियां थी उसे इसमें पूरी तरह से कॉम्पेंसेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बैटरी लाइफ, पुराने वाले सिस्टम में बैटरी लाइफ बहुत ही गंदी थी, मतलब दिन में दो से तीन बार आपको चार्ज करना पड़ता था आपका लैपटॉप, लेकिन इसमें बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट डबल दी गई है। परफॉर्मेंस के मामले में बात करें तो पिछले वर्जन के मुकाबले इसमें कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है, जो परफॉर्मेंस यानी इस पे आप हाई एंड टास्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1,20,000 का अगर आपका बजट हो या फिर 1,00,000 के ऊपर का अगर आपका बजट हो तो ये एक परफेक्ट चॉइस है। MacBook किलर, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला एक लैपटॉप चाहते हैं तो दिस इज लाइक योर परफेक्ट चॉइस। आपको भले ही आपके स्मार्टफोन से प्यार हो, लेकिन अगर प्यार के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं तो स्मार्टफोन के क्यों नहीं। तो आपके स्मार्टफोन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इस पर हमारे अभिषेक तेलंग ने बात की है फर्स्ट पोस्ट के निमेश सावन से। देखते हैं ये क्या है। ज्यादा घी तेल वाला खाना खाने से जैसे पेट के अंदर गैस होके, मतलब पेट में गैस होती है और पेट फूलता है, वैसे ही परेशानी हमारे स्मार्टफोन्स को है। एंड बाय द वे, उन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी उन्हें खिला पिलाकर हम कंज्यूमर्स के हाथ में भेजती है और उसके अंदर इतने ज़्यादा घटिया और ऊल जलूल फालतू के ऐप्स डाले जाते हैं उस फोन के अंदर, जिसे कहा जाता है ब्लोटवेयर। मतलब लिटरली फोन का हाजमा बिगाड़ने के लिए ब्लोटवेयर काफ़ी है। नाउ दिस इज एन इश्यू व्हिच यू नो एवरीवन हू यूज्ड अ स्मार्टफोन हैज फेस्ड एट सम पॉइंट ऑर द अदर, अनलेस यू आर यूजिंग अ स्टॉक एंड्रॉइड फोन। यस, यू गेस्ट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लोटवेयर। Now, why would you put on unnecessary applications on your phone? I mean, I have tested a phone which had, and I'm not kidding, it had 29 apps, customized apps of that particular software. Why? And most of those apps were apps which already I use, other apps that I already use, and it's the same function. And the worst part was that I could not uninstall any one of those 29 apps. So that is that much memory of that much space of my
smartphone storage just wasted. And not just internal storage of that smartphone. Even the RAM bloatware है, वो आपकी RAM को access करता है, आपके phone को हर दिन slow और slow करता जाता है. And at the end of the day, 6 महीने के बाद आपका तेज तर्रार smartphone जो पहले दिन था, वो धीरे-धीरे कछुए की तरह पैदल चलने लगता है. And then you have to make a choice when it comes to installing more apps, because you cannot uninstall these apps, you can just uninstall the updates. So you know there's that constant battle, constant back and forth about, you know, why do I need these apps? And companies should, I mean, think about giving the option of disabling these unwanted apps. Some companies have started doing that, some do not allow you to do that. And you know, Nimish, the best part about the app ecosystem is ki yahan par democracy hai. Matlab, har kisi user ke paas, मुझे जैसे पहले नोकिया के जमाने में आपके पास जो ऐप आते थे कि भाई नोकिया की क्लॉक आपको इस्तेमाल करनी है, अलार्म क्लॉक तो वही मिलेगी, स्नेक गेम आएगा तो कोई दूसरा गेम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते. मैं नोकिया के बहुत पहले वाले फोन की बात कर रहा हूँ. तो ये एक डेमोक्रेसी आ गई है मल्टीपल चॉइसेस ऐप इकोसिस्टम में. भाई मुझे ये वाली अलार्म क्लॉक पसंद नहीं है, मैं दूसरी कोई अलार्म क्लॉक ले लूंगा. मुझे आपका मैसेंजर पसंद नहीं है तो मैं कोई दूसरा मैसेंजर यूज करूंगा. तो ये कंज्यूमर्स के ऊपर आप छोड़िए ना, अगर आप इतना R&D करते हैं, आप अपने गूगल अगर अपने प्ले स्टोर के ऊपर इतने ज्यादा एप्स डालता है, या फिर एप्पल अपने iOS के अंदर इतने ज्यादा ऐप में इन्वेस्ट करता है, इवन थर्ड पार्टी जो आपके जो जैसे कि सैमसंग का अलग से अपना एक स्टोर है जिसके ऊपर अलग से एप्स बनते हैं, सेम LG सोनी के साथ भी है, इवन शाओमी और बाकी ऐप इनके साथ भी हैं, जहां पर आप थर्ड पार्टी ऐप्स जो उनके खुद के बनाए हुए हैं, कंपनी के बनाए हुए, आप डाउनलोड कर सकते हो. तो ये कंज्यूमर के ऊपर आप छोड़िए ना, आप फोन को एकदम प्लेन करके भेजिए और यूजर के ऊपर छोड़िए कि वो कौन सा ऐप उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहता है और कौन सा नहीं. सो फॉर इंस्टेंस आई मे बी यूजिंग गूगल कीप फॉर टेकिंग डाउन नोट्स, अभिषेक माइट यूज सम अदर ऐप फॉर टेकिंग डाउन नोट्स. सो यू नो ही शुडंट बी फोर्स टू यूज ए पर्टिकुलर ऐप बाय अ कंपनी जस्ट बिकॉज यू नो ही इज बाइंग इनटू दैट कंपनी'स फोन. गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखेंगे वाईकॉम 18 के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म वूट के बारे में कुछ जानकारी. वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. अगर आपको ऑन द मूव वीडियोस देखना पसंद है तो आपके लिए एक परफेक्ट है दीज वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स. अलग अलग तरह के वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स कई चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही वाईकॉम 18 ने अपना खुद का वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिस पर 17,000 घंटे का कंटेंट है. वाईकॉम के पूरे नेटवर्क का कंटेंट है, इनफैक्ट चाहे वो कलर्स हो, MTV हो, निक हो, सबका कंटेंट मिलता है. इसी पर मैंने बात की वाईकॉम 18 के सुधांशु वत्स से. वाईकॉम 18 ने अपना वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म वूट लॉन्च किया है. इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है सुधांशु वत्स. सुधांशु, वेलकम टू द शो. सबसे पहले वूट इंटरेस्टिंग नाम है, हाउ डिड यू अराइव अपॉन द नेम? वूट काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, लेकिन और इसको जैसे हमने ये हम इसका डिस्कवरी भी उतना इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब हमने नाम की बात शुरू करी तो एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, हम डिजिटल ब्रांड का अलग ब्रांड करना चाह रहे थे, डिजिटल बेसिकली, सो इट एंटायर डिजिटल फिलॉसफी, तो डिजिटल ब्रांड, इसलिए हमको नया नाम चाहिए था. तो हमने कहा कि अगर नया नाम ढूंढना है तो लोगों ने कहा कि किसी एजेंसी के पास जाओ, ये करो वो करो. हमने कहा हम तो क्रिएटिव कंपनी है, खुद अपना खुद क्रिएटिव में क्यों नहीं देखते हैं. तो हमने अपनी क्रिएटिव टीम्स को बोला, तो क्रिएटिव टीम्स ने सबमिशंस दिए, लेकिन उन सबमिशंस अच्छे थे लेकिन मज़ा नहीं आया ज़्यादा. फिर हमने कहा चलो, हमने ज़्यादा समय नहीं दिया होगा और शायद हमने क्रिएटिव टीम्स भी अलग अलग कर दी कि भाई कलर्स की क्रिएटिव टीम, MTV की क्रिएटिव टीम. हमने कहा तो मिक्स करके दोबारा सबमिशन दो. तो मिक्स करके उन्होंने दोबारा सबमिशन दिया, काफ़ी अच्छे सबमिशन थे लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया. तो हमने क्या किया, फिर हमने जेन्युइनली क्राउड सोर्स किया. तो हम कंपनी में हर 3 महीने में एक टाउन हॉल करते हैं, तो हमने टाउन हॉल में अनाउंस करा कि हम डिजिटल ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, आपको जो भी नाम बताना है बताइए, और जो जो जीतेगा, जिसका नाम सेलेक्ट होगा, उसको दुनिया में कहीं भी अपने पार्टनर के साथ हॉलिडे का हमारी तरफ से इनाम मिलेगा. सो इनाम वो था, लेकिन जिसने जीता वो लड़का जो था हमारे साथ, यंग ट्रेनी, वो 2 महीने ही हमारे साथ था. तो देखिए, वूट जो है डिजिटल इज अबाउट द यंगस्टर्स एंड द नेम हैज आल्सो कम फ्रॉम. करेक्ट, यू सेड इट्स अबाउट द यंगस्टर्स. और यू नो जो कंटेंट है इट्स ज्यादातर टुवर्ड्स यू नो किड्स. तो किस तरह की स्टडी प्रॉब्ली आपने कंडक्ट की होगी ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से पहले? तो क्या बताया गया उस स्टडी में, या फिर क्या रिजल्ट्स आए उस स्टडी के जिससे ये बताया जा रहा है कि
किड्स का जो कंजम्पशन है ऑनलाइन या फिर मोबाइल फोन पर कंटेंट का, वो ज़्यादा है? देखिए, हमने क्या किया, जब हमने ये अपना प्रोग्राम शुरू किया लॉन्च करने का, तो हमने उस टाइम पे एक स्टडी करी, और जो स्टडी हमने करी वो यूट्यूब पे ही बेस्ड थी, क्योंकि वो एक वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म जो सबसे बड़ा है. तो उस पर हमने 3000 घंटे का जो कंटेंट था वो स्टडी किया, और उसमें हमने पाया कि 4 जॉनर्स बड़े क्लियर इकट्ठे आते हैं, निकल के आते हैं. उसमें से किड्स, जो आपने सवाल पूछा, किड्स का कंटेंट जो है वो 5% कंटेंट है, लेकिन 30% कंजम्पशन है. तो 5% कंटेंट का 30% कंजम्पशन है, तो रिपीट वैल्यू किड्स कंटेंट की बहुत ज़्यादा है, और किड्स उसमें से टॉप 4 में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था उसका. तो इस तरह से हमने किड्स को देखा. ऑलराइट, यू नो, ओवरऑल वूट प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरे जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है वीडियो ऑन डिमांड के, उनसे कितना अलग है? आपने देखा ही कॉन्फ्रेंस में, हमारे हिसाब से तो बहुत अलग है. हम ये कह रहे हैं, इसलिए अलग बोल रहे हैं कि 3 चीज़ें. एक तो अगर आप प्रोडक्ट फीचर्स देखेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट फीचर्स जो हैं वूट पे, वीडियो ऑन डिमांड पे, वो जो वूट के प्रोडक्ट फीचर्स हैं वो काफ़ी अलग हैं. सोशल फीचर जो है, शाउट फीचर सोशल में जो है वो काफ़ी अलग है. डिस्कवरी कार्ड वाला जो फीचर है, कि हमारे प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के साथ आपका कोई डिस्कवरी कार्ड है, तो जब आप कुछ देखते हैं तो जिज्ञासा होती है और देखने की कुछ और है या नहीं है, कुछ पीछे क्या हुआ, ये सब, तो वो डिस्कवरी कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है. और जो और रिकमेंडेशन इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, फिर वूट किड्स अपने आप में हमारा, यू नो, इंडिया में सबसे बड़ा वूट किड्स का डेस्टिनेशन होगा, वूट किड्स जो उसमें है. सो ये काफ़ी अलग चीज़ें हैं. और कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो हमने 3 चीज़ें फिर अलग करी हैं. एक तो हमने वूट, वी आर द फर्स्ट इंडियन OTT विच इज़ लॉन्च विद ओरिजिनल्स. तो हमने ओरिजिनल्स के साथ लॉन्च किया है OTT इसमें, तो दैट इज़ फर्स्ट थिंग. आपने देखे ओरिजिनल्स की एग्जाम्पल्स भी, तो हम काफ़ी ओरिजिनल्स करेंगे. दूसरी चीज़ हम और जो करेंगे, जो वूट एक्सक्लूसिव्स, वूट एक्सक्लूसिव्स हुए कॉन्टेंट अराउंड कॉन्टेंट, और हम रियलिटी बहुत करते हैं. तो अगर हमारे जो पिलर्स हैं कॉन्टेंट के, वो रियलिटी, कॉमेडी, ड्रामा एंड किड्स हैं, लेकिन रियलिटी में खास तौर से देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट अराउंड कॉन्टेंट आप कर सकते हैं. जो TV पर आप कॉन्टेंट देखते हैं वो 45 मिनट का होता है, लेकिन सौ घंटे का कंटेंट शूट होता है वो 45 मिनट का कंटेंट दिखाने के लिए. तो हमारे पास बहुत कंटेंट रहता है जो कि हम दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को, जो कि उसके बाद और रियलिटी TV में ना व्यूअर्स को जिज्ञासा भी बहुत होती है कि किसी की स्टोरी फॉलो करेंगे, कोई इवेंट फॉलो करेंगे, कोई इंसिडेंट फॉलो करेंगे, तो हमारे पास वो कंटेंट भी है. तो उसको हम वूट एक्सक्लूसिव में, वूट कंटेंट अराउंड कंटेंट डालेंगे. डिस्कवर कार्ड्स, वूट एक्सक्लूसिव, वूट ओरिजिनल्स, जो काफ़ी नया कंटेंट है उस तरह से. जब नेटफ्लिक्स हमारे देश में लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी बातें हुई थी ऑन, यू नो, लाइक प्रॉबेबली ग्रोथ ऑफ पेड कॉन्टेंट इन द कंट्री ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म. तो क्या, यू नो, आने वाले दिनों में आप सब्सक्राइबर ड्रिवन मॉडल भी लाने वाले हैं? हाँ, तो हमारा मानना ये है कि अभी जो मार्केट है वो सब्सक्राइबर ड्रिवन मॉडल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है. तो अभी अगर हम करेंगे सब्सक्राइबर ड्रिवन मॉडल, तो वो बहुत छोटा होगा इंडिया, खासतौर से हमारे नंबर्स के हिसाब से. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 1 या 2 साल में, 12 से 24 महीने के अंदर ये काफ़ी बदलेगा. और मैं इसलिए कह रहा हूँ, 3 चीज़ें बदलेंगी. देखिए, एक पहली चीज़ ये बदलेगी कि पेमेंट इकोसिस्टम जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइबर VOD लाने के लिए, वो बदलेगा. क्योंकि आपका मोबाइल, यू नो, मोबाइल पेमेंट्स और मोबाइल वॉलेट्स, ये सब आ रहे हैं अभी, और ये बढ़ रहे हैं बहुत. आजकल अभी कुछ न्यूज़ में भी था, और तो 1-1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर काफ़ी हो जाएंगे, बड़ा नंबर हो जाएगा. स्मार्टफोन्स जो कि, यू नो, पिछले साल तक सिर्फ 160 मिलियन थे, इस साल में 160 मिलियन और ऐड होंगे, तो 300 मिलियन के करीब स्मार्टफोन्स हो जाएंगे. स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है कंजम्पशन के लिए. और तीसरी चीज़ ये है कि 4G और स्पेक्ट्रम की जो बात हो रही है, 4G लॉन्च हो रहा है, तो बैंडविड्थ जो चाहिए ये करने के लिए, वीडियो खासतौर से दिखाने के लिए, वो भी आ जाएगी. तो बैंडविड्थ आ जाएगी, स्मार्टफोन्स आ जाएंगे, और वॉलेट्स, पेमेंट इकोसिस्टम आ जाएगा. मुझे लग रहा है ये सब 12 से 24 महीने के बीच में एक साइजेबल नंबर हो जाएगा करने के लिए. तो हम SVOD को ज़रूर देखेंगे, बट उस समय में. एक तरफ हम डिजिटल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, 4G के आने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे देश में है कि एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रैवल भी करो तो 10 बार आपका नेटवर्क गिरता रहता है. कंसिस्टेंटली हमें कुछ भी, खासकर वीडियो देखने के लिए, वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती. तो इस पर क्या आपने स्पेशल काम किया है इस ऐप में, ताकि ऑफलाइन भी आप वीडियो को कंज्यूम कर सके? हाँ, तो ऑफलाइन का ऑप्शन भी हमने बिल्ड किया है, और इसमें हम काफ़ी बिट रेट पे भी काम कर रहे हैं कि आपको जो वीडियो क्वालिटी है
वो वीडियो की जो वीडियो है वो लोअर बिट रेट्स पे भी दिखाई दे मिले मिले, ताकि जब आपके ये फ्लक्चुएशंस होंगे डेटा स्पीड में और डेटा क्वालिटी में, आपको फिर भी वीडियो चलता रहेगा। हो सकता है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन अगर लोअर बिट रेट पे हम वीडियो दे पाएंगे तो वो उस पर भी काम चल रहा है। इस पूरे कंटेंट में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनकी ओरिजिनल सीरीज़ को लेकर, जहाँ पे वो सच में ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं कंज्यूमर्स के कंजम्पशन के लिए। टेक गुरु के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी क्वेरीज हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर हमें ज़रूर भेज सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड।